बहुत दिन हो गए, कई दिन हो गए, मोगेम्बो गायब चल रहा था मार्केट से। इतने में अपडेट भी आ गई, इलेक्ट्रो ड्रैगन की पावर बढ़ा दी, बिलिंप की पावर कम कर दी और बहुत सारी नई नई चीजें कर दी गेम के अंदर। आइए चेक करती है थोड़ी सी अपनी पुरानी आर्मी के साथ कि क्या क्या हुआ है चेंज। तो स्वागत करते हैं पावा मोगेम्बो, सभी बालक बालिकाओं, छोरे छोरियो, लौंडे लौंडियों, मेरे सभी प्यारे नाना मामा फूफा चाचा ताऊ के बालकों के साथ, निब्बा प्यारी निब्बियों का भी तो पकड़ के बैठेगा। अरे बाप हो, आइए देखते हैं किस तरह से वर्क कर रही है। ओहो, और देखो गाइस, आईडी मेरी बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है तो उठ पटांग बेस मिलेंगे अभी। तो ये मत कहना नूब बेस इसको ट्रिपल मार दिया। भाई साहब, तुम्हारे जो मर्जी बेस ले आना, जब हम पेल ले पाएंगे तो सबको पेल देंगे। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि हमको सिर्फ चेकअप करना है कि हाँ भाई बता दो इलेक्ट्रो ड्रैगन्स कैसे चल रहे हो तुम। आओ जी देखते हैं कोई चेंजेस आए कि नहीं। मूवमेंट स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज, बिलिंप का डैमेज ज्यादा सा कम हो गया गाइस। जो टीएच पे जाके 1400 का डैमेज था वो 1000 का हो गया, पर जो चीज हमको चाहिए थी, टीएच चाहिए था, वो तो अभी भी मिल जा रहा है ना। फर्क मेरे ख्याल से, मैं जैसे सीसी निकाल लिया करता था पहले बिना स्पेल डाले, शायद वो नहीं आ पाएगा ऐसा लग रहा है मुझे। और ये बेस नूब बेस नहीं है, इसने तो मेरी आर्मी मार दी यार, और आर्टिलरी ऊपर से मर नहीं रही। ये काय का नूब बेस है जो मेरी आर्मी को मार दे, जो मुझे स्वैग ना करने दे। देखो गाइस, आपको तो पता ही है कि कुछ मर्जी चेंज आता रहे, अपन तो पेलते ही रहेंगे और पेलते ही रहेंगे, चाहे कोई भी चेंज आ जाए। कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई आर्मी तो हम ढूंढ ही लेंगे। और आपको तो पता ही, इलेक्ट्रो ड्रैगन्स हैं सदा के लिए। आओ जरा, ओहो सेंट्रल टाउन हॉल के बेसिस बड़े मिलते हैं मेरे को गाइस, और इन्हें पीटने में तो एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलती है। आओ जरा पीट देते हैं। इसके पास तो लेवल 1 की वॉल भी है, क्या ही ओपी प्लेयर है बेचारा। ये लग रहा है भी अभी जन्म लिया है इसने टाउन हॉल 14 पे, और पटक के समझ गए आप, सेंटेंस पूरा होने वाला है। आप में से कुछ होने तो कर भी दिया होगा। सेंटेंस है कौन सी उसका है, मिर्जापुर का है शायद। यस, ओ गाइस, यहां पे तो मामला हमारे साथ ही गंभीर हो गया। इलेक्ट्रो ड्रैगन्स हमारे मर गए हैं क्वीन के पास जाके। अब हमें रॉयल चैंपियन का सहारा लेना होगा। जब कोई ना हो तुम्हारा तो रॉयल चैंपियन ही देती है सहारा, और देके पो मारा ऐसे कुछ होता है, ऐसे समझ रहे हो। तो राइमिंग उल्टी सीधी बन गई है, कोई दिक्कत नहीं। और गाइस 2,00,000 सब्सक्राइबर आज हो जाएंगे, क्योंकि 200-300 सब्सक्राइबर बचे हुए हैं। मुझे पता है इतने लोंडे तो आज जाके दबा ही देंगे, हो सकता है। छोड़ो, मेरे दिमाग में कुछ आ गया था, मैंने रोक लिया उसको। आइए एक और शिकार करते हैं। वाह, आहा, बेस देखो आप, ये अति उत्तम सुप्रतम, ऐसा बेस तो जीवन में ना देखा हमने। दिखने में लगते हैं ये आसान और घाव करे गंभीर। देखो इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को तो वॉल्स से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, तो आप ये मत सोचना इसने वॉल्स ऐसी और वैसी कर रखी है, और बाकी आर्मी को भटकाने के लिए क्यों ही इसने वॉल्स ये आर्मी को भटका देती हैं इस तरह की वॉल्स।
सही रास्ता पकड़ने ही नहीं देंगी, इसीलिए तो बनाई जाती है। देख रहे हो, आपको लग रहा होगा कि इस पे तो मोगेम्बो 10-15 फ्री स्वैग कर देगा, पर असलियत में मेरी ऑलमोस्ट सारी आर्मी इस्तेमाल हो चुकी है, क्योंकि यह था घूम घुमैया बेस, यानी कि पजलिंग बेस। आर्मी पजल हो जाती है इस तरह के बेसिस पे, और ऐसे होनहार शक्तिशाली बेस जो होते हैं ना, वो हमको लो ट्रॉफीज पर ही मिल पाते हैं। तो हम इन बेसिस का आनंद उठाते हैं, और मुझे देख के जो लग रहा है ना, वो लग रहा है कि इलेक्ट्रो तो हल्के से फास्ट हो गए हैं, पर वो जो ब्लिंप का डैमेज कम हुआ है ना, वो थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। अब वो चिंता का विषय कैसे पता चलेगा, उसमें तो लग रहा है मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा समझने में। एक और मुर्गी की तलाश में निकले हैं हम, और काफी तगड़ा बेस मिला है, तो ओल्ड इज गोल्ड वाला बेस है ये। बचपन में देखा था मैंने इसको, आज उसके बाद सीधा जवानी में मिला ये। बचपन की यादों को ताजा करते, क्योंकि जब हमने इसे बचपन में देखा था ना, उस टाइम पे भी बहुत पीटा था इसको, तो उन्हीं यादों को ताजा करने के लिए निकली है यादों की बारात। अब देखते हैं क्या ये यादों की बारात के हत्ते चढ़ेगा, या फिर दुम दबा के भाग लेगा, और क्या हम इसे दुम दबा के भागने का मौका देंगे, लगता तो नहीं है। और जब लगता नहीं है तो होता भी नहीं है। देखो, ब्लिंप हमने छोड़ी टीएच पे, और स्पेल कोई डाल नहीं रहा हूं मैं ये देखने के लिए कि ब्लिंप में कितनी जान बची है, और मैं आपको बता रहा हूं जान कम हो गई है इसकी, क्योंकि इससे ज्यादा जल्दी टीएच तोड़ा करती थी ब्लिंप पहले, जो कि अब नहीं तोड़ पा रही है। तो यानी कि जो मैं बलून से टीएच निकाल लिया करता था पहले बिना कोई स्पेल डाले, अब वो इतना आसान नहीं होगा अगर टीएच के पास थोड़ा सा भी ज्यादा डैमेज है। पहले अगर मल्टी टारगेट और स्कैटर शॉट हुआ करते थे टीएच के पास, तो ही ब्लिंप बिना स्पेल के टीएच नहीं निकाल पाती थी, वरना ये टेस्ला वैसला से तो बहुत आराम से निकाल लेती थी। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है ब्लिंप, जो कि अच्छा नहीं लगा मुझे। आइए जरा पिटाई का एक और रूप धारण करते हैं, फिर से यादों की बारात निकलेगी, और आपको पता ही है यादों की बारात में होता क्या है, क्योंकि ये बेस भी हमारे बचपन का बेस है। शुरुआती दौर में हमने इस बेस के ऊपर बहुत हमले फेल किए थे, लगातार बार बार फेल कर दिया करता था इस बेस के ऊपर मैं। मुझे यही समझ में नहीं आता था कि मैं इस पे बेस पे अटैक कहाँ से करूं, और बड़ा मुश्किल लगता था मुझे ये बेस। मुझे ये बेस दुश्मन की तरह नज़र आता था, क्योंकि जैसे ही आ जाता था मैं समझ जाता था अब मैं बर्बाद हो गया, अब मैं इसको 2 स्टार से ज़्यादा मार ही नहीं पाऊंगा, और कई बार तो 2 स्टार भी नहीं मार पाता था मैं इसको, 1 स्टार के ऊपर ही गदी बैठ जाती थी हमारी। अब आप सोच सकते हो कि ये बेस कितना घातक बेस था मेरे लिए, पर हमने कड़ी मेहनत, शिक्षा, परिश्रम, प्रतिष्ठा से इसको 3 स्टार मारना सीखा, और अब आप देखिए कि मैं कितना बड़ा प्रो बन गया हूं इस बेस को ट्रिपल मारने में। जैसे वो ऐड नहीं करते, पहले मैं बहुत ऐसा हुआ करता था, फिर मैंने ये ले लिया, अब मैं बहुत वैसा हो गया हूं। क्या ऐड आते हैं यार, मजा आता है ऐसे ऐसे ऐड देख के मेरे को। पहले मेरे दोस्त मुझे ऐसा कहते थे, अब मुझे वैसा कहते हैं। आज का आखिरी अटपटा और पटपटा अटैक करने के लिए हम निकल रहे हैं। कई दिनों से हमारी वीडियो नहीं आई थी, लेकिन अब यहाँ से रेगुलर रहने की हम कोशिश करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट कामों में मैं लगा हुआ था,
जिनको आपको फ्यूचर में जान के बहुत खुशी महसूस होगी कि वाह मोगेम्बो मौज कर दी। समझ रहे हो, आप लोगों के लिए यह मेहनत करते हैं, तो उसी तरह का कुछ काम में मैं लगा हुआ था ताकि आपको एक बढ़िया सा सरप्राइज दें आने वाले टाइम पे। वैसा ही कुछ हम प्लान कर रहे थे। आज आप जल्दी से 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर देना, 200-300 सब्सक्राइबर्स की कमी, वैसे मेरे को पता है वो हो ही जाएगा आज। पर आइए, इलेक्ट्रो ड्रैगन जोड़ निकले हैं यहाँ पे काम करने तोड़फोड़। ब्लिंप, रेज, ओ कितने ओ और भाई साहब टाउन हॉल के पास देख रहे हो, सारी माइंस पाइंस अट्रम टाइंस सब वही है। ये चाहता था कि इसका टाउन हॉल किसी भी तरह से टेक डाउन ना हो सके, तो इसने अपनी पूरी दुनिया वहीं पे लगा रखी थी भाई। पर इसके साथ काफी बुरा हुआ क्योंकि बात तो तब भी ना बन पाई उस्ताद। सीसी में से इलेक्ट्रो ड्रैगन निकल के आ गया अपोनेंट का। हमारे इलेक्ट्रो बात करने की कोशिश कर रहा है उससे, आइए देखते हैं कौन जीतेगा इनकी बातचीत में। 2-3 बलून्स भी निकले, हमारे पास 2 फ्रीज अभी बची हुई है, रॉयल चैंपियन अभी बची हुई है, स्वैग कर देंगे दोनों को ही गाइस, क्योंकि इनकी ज़रूरत आपको पता ही है बिल्कुल भी नहीं है। तो बस आज की वीडियो रहेगी ये छोटी सी, जिसमें हमने वापस से इलेक्ट्रो ड्रैगन की पावर को चेक किया और पावर अभी भी दमदार है। आपका अटैक दमदार होना चाहिए, पावर तो हमेशा बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।